वो कांग्रेस ने पैदा की थी, लेकिन ये पैदावार कांग्रेस में खत्म हो गई। कांग्रेस में लीडरशिप क्रिएटिंग क्वालिटी फ्रेश, दे आर इंपोर्टिंग। कांग्रेस एंड बीजेपी इज द शोरूम, जनता दल इज द फैक्ट्री क्रिएटिंग द लीडर्स। हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी हमारा प्रोडक्ट लेके उनका लेबल लेके अच्छे रेट में सेल करते हैं सेल्स में। क्या ऐसे हजार हुकूमतें आएंगी, हजार लीडर पैदा होंगे, हजार लीडर खत्म हो जाएंगे, लेकिन टिप्पू सुल्तान को दिल से निकालने का काम कोई मैकाला नहीं कर सकता। हर मुसलमान के दिल में टिप्पू सुल्तान रहेंगे, आखिर तक कयामत तक उनका नाम कायम रहेगा, वो कोई नहीं निकाल सकता। गलत गलत गलत, जेडीएस वो कांग्रेस वो नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही है। जेडीएस एक फैक्ट्री है, जान से तैयार होके गए हुए लीडर ही आज हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे। कौन बोल दिया कि जेडीएस में नहीं है? कौन कौन आज जो राजनीति जो कर रहे हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, किस किस का नाम गिनाओ? बीजेपी का गिनाओ, रोशन रहे, एसीपी अजीम कहां का प्रोडक्ट है? मरहूम कहीं, जिंदा कहीं, आज भी रोटी खा रहे हैं सियासत की तोड़ तोड़ के। कहां से ट्रेन हुआ है? प्लेटफॉर्म किसने दिया? जेडीएस ने दिया है। हजरत जेडीएस के बारे में ये अल्फाज नहीं बोल सकते। कांग्रेस के क्रिएट किए हुए कुछ लीडर जैसे के थे जाफर शरीफ, मरहूम जाफर शरीफ साहब थे, आज भी रहमान खान साहब होंगे, और कई हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब थे जिनको कहता हूं मैं खुद ही टिप्पू सुल्तान की जान रियाजी, जान टिप्पू सुल्तान की जो क्या बोलते हैं हुकूमत जो कुछ भी वहां उनका जो बेस था, मैं उसी डिस्ट्रिक्ट का हूँ। और टिप्पू सुल्तान के ताल्लुक से अगर बोलना चाहे तो ये कौन होते हैं जयंती करो नहीं करो, मुसलमानों को फजूली खर्ची करो, फजूल खर्ची कोई आ रहा है बंद करवा दे रहा है, कोई बोलता है जयंती बनाओ, हाल के अंदर एसपी के आगे डीसी के आगे डर के खौफ में रह के जयंती बनाओ, थोड़ा इतना सा करके चले जाना, सब गश नहीं निकालना, धूम धड़ाका नहीं करना, डर की जद में लेके आए जयंती मना के। तो मैं उस टॉपिक पे बात ही नहीं करना चाहता, लेकिन दावा इस बात का करना चाहता हूँ कि ऐसे हजार हुकूमतें आएंगी, हजार लीडर पैदा होंगे, हजार लीडर खत्म हो जाएंगे, लेकिन टिप्पू सुल्तान को दिल से निकालने का काम कोई मैकाला नहीं कर सकता। हर मुसलमान के दिल में टिप्पू सुल्तान रहेंगे, आखिर तक कयामत तक उनका नाम कायम रहेगा, वो कोई नहीं निकाल सकता। ये ड्रामा कंपनी कोई कलर डाल के आ रहा है, कोई विथआउट कलर आ रहा है, कोई जुब्बे में, कोई सूट में, कोई टोपी में, कोई तलवार पटक करके, कोई क्या लटक के, ये सब ड्रामे धतूरे, बंद करने के लिए बोला इन लोगों को, नहीं बात करना चाहिए इसको। सर जेडीएस हो कांग्रेस हो, कोई एक माइनॉरिटी या मुस्लिम लीडर आगे आता है तो उसको खत्म कर दिया जाता है। गलत गलत गलत, जेडीएस हो कांग्रेस हो नहीं है, सिर्फ कांग्रेस ही है। जेडीएस एक फैक्ट्री है, जान से तैयार होके गए हुए लीडर ही आज हमारी तरफ उंगलियां उठा रहे। कौन बोल दिया कि जेडीएस में नहीं है? कौन कौन आज जो राजनीति जो कर रहे हैं, जो कोई भी पॉलिटिकल लीडर है, किस किस का नाम गिनाओ? बीजेपी का गिनाओ, रोशन भाई, एसीपी अजीम कहां का प्रोडक्ट है? मरहूम कहीं, जिंदा कहीं, आज भी रोटी खा रहे हैं सियासत की तोड़ तोड़ के। कहां से ट्रेन हुआ है? प्लेटफॉर्म किसने दिया? जेडीएस ने दिया है। हजरत जेडीएस के बारे में ये अल्फाज नहीं बोल सकते। कांग्रेस के क्रिएट किए हुए कुछ लीडर जैसे के थे जाफर शरीफ, मरहूम जाफर शरीफ साहब थे, आज भी रहमान खान साहब होंगे, और कई हमारे मरहूम अजीज सेठ साहब थे जिनको मैं भी सलाम करता हूँ। तो ऐसे लीडरों को कांग्रेस ने पैदा की थी, लेकिन ये पैदावार कांग्रेस में खत्म हो गई। कांग्रेस में लीडरशिप क्रिएटिंग क्वालिटी फ्रेश, दे आर इंपोर्टिंग। कांग्रेस एंड बीजेपी इज द शोरूम, जनता दल इज द फैक्ट्री क्रिएटिंग द लीडर्स। हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, हम लोग प्रोडक्ट तैयार करते हैं। कांग्रेस और बीजेपी हमारा प्रोडक्ट लेके उनका लेबल लेके अच्छे रेट में सेल करते हैं सेल्समैन ने। समझा करो यार बात को, आप कुछ भी बोल देते कहा जनता दल को जोड़ के, जनता दल एक मैन्युफैक्चरिंग है। लालच, जल्दी बड़े हो जाने की फिक्र, जल्दी बड़े हो जाने की लालच,
जल्दी दौड़ जाने की लालच, समझे नहीं समझ, और बड़े होने की लालच, पंख आने तक रहते बस। ये खूबियां सिर्फ कल तक जान तक मैंने नोट किया, या जानवरों के बच्चों में थी या परिंदों के बच्चों में थी। जैसा पंख आए माँ बाप को छोड़ के उड़ जाना, जैसे चलना सीखे जानवर के बच्चे माँ बाप को छोड़ देना फिर चल अकेले चल जाना, ये था। ये इंसानों में भी आ गया अफसोस, इनको पंख जाना लगे, बस उड़ने की कोशिश रहती है, भूल जाते हैं कि हम कहाँ से शुरू हुए थे। भाई तुमको जिसने भी अली बे ते सिखाया उस उस्ताद को भूल गए ए बी सी डी सीखने चले तुम? ना ना, ये गलत है। कांग्रेस से हमारा कोई मतलब ही नहीं था, मजबूरी में हम लोग इनके साथ में थे, वो दोस्ती का फर्ज निभाने की मजबूरी हमारे मुंह पे ताला लगाई थी। आज इनकी हैसियत हमारी समझ में आ गई। अब अगर आप नहीं बोलेंगे तो क्या ये बात 2023 में बोलेंगे हम लोग? अब बोलना वक्त था, ये वक्त को मुद्दे नज़र रखते हुए ये स्टेटमेंट देना ज़रूरी था, मेरी कौम को बेदार करना, मेरी कौम को जगाने का काम करना ज़रूरी था, क्योंकि मुसलमान कौम की ज़रूरत पार्टी में है, जेडीएस में है, और मेरी मुसलमान कौम जो गलत फहमियाँ में है वो गलत फहमियाँ दूर करने के लिए इस मुद्दे को आज उठाने के लिए ज़रूरी था जो कुमार स्वामी ने उठाया, और ये सही मुद्दे हैं। वो लोग मुद्दों के जवाब देने के बावजूद पलट पलट के दूसरे उल्टे सीधे सवाल करते, बोलो उनको, पॉइंट टू पॉइंट जवाब दो, हमने जो सवाल किया उसका जवाब दो। तो क्यों नहीं सिद्धरामैया जी जवाब दिए कुमार स्वामी को, हाँ या ना में किया हूँ या नहीं, जवाब देना था। इग्नोर के माने एक्सेप्टेड, यानी कि इसका जवाब सिद्धरामैया को देना चाहिए था 100%। द फाइट शुड बी बिटवीन द किंग टू किंग, नॉट टू बी ए सोल्जर टू ए किंग। इफ द किंग हैज द गट्स, किंग में दम है। जब कोई राजा दूसरे राजा को ललकार रहा है तो राजा को महल से बाहर आके जवाब देना चाहिए, ये नहीं कि चूहों की फौज को छोड़ देना चाहिए अचानक, नहीं। ये पहले से ये जनता दल में मुसलमानों के लिए मोहब्बत, यही मोहब्बत का नतीजा है कि जो आज इतने लीडर कांग्रेस में जाके बैठे और बीजेपी में जाके बैठे। अगर जनता दल की पहले से मोहब्बत नहीं होती तो ये लोग सब क्या लीडर बनते थे? ये लोग सब लीडर बने कुछ प्लेटफॉर्म से यार, जनता दल के प्लेटफॉर्म से। तो मोहब्बत अचानक आज कैसे? ये तो पार्टी की जिस दिन बुनियाद रखी गई जब से मोहब्बत है मुसलमानों से। अगर मुसलमान से मोहब्बत नहीं होती तो मुसलमानों को 4% रिजर्वेशन क्यों देते थे वेकोड़ा जी? ये हमारी पार्टी की पॉलिसी है मोहब्बत करना मुसलमानों से। हमारा मैनिफेस्टो नहीं बनाएंगे और आपको पूछ के भी नहीं बनाएंगे, हम आवाम से पूछेंगे, इस रियासत के उम्मे कराम को पूछेंगे हम लोग कि मुसलमानों की सहूलत के लिए क्या क्या चाहिए। वक्कलगा के मठों से पूछेंगे हम लोग कि वक्कलगा कमेटी को क्या फैसिलिटी चाहिए। कुरबास के मठों से पूछेंगे, लिंगायतों के मठों से पूछेंगे, उनके स्वामीजियों से पूछेंगे कि तुम्हारे कौम को क्या क्या सहूलतें चाहिए। उन सब की राय मशवरा लेके हम अपना मैनिफेस्टो तैयार करेंगे, ना कि आपसे पूछ के या ना मेरे से पूछ के। राय हमारा होएगी लेकिन इजाजत उलमा इकराम की भी ली जाए।